एक गांव में बुढ़ा कहकर एक बूढ़ा आदमी एक टैक्सी को चलाते हुए जिंदगी गुजार रहा था। उनकी टैक्सी हमेशा खराब होकर रुक जाती थी तो वो सर पकड़कर बैठ जाता था। हमेशा मैकेनिक को पैसे देकर उसे मरम्मत करवाता था। उनको राम और श्याम कहकर दो बेटे हैं। राम नौकरी के लिए पूरा शहर घूमता रहता था। श्याम का दिमाग कम है, थोड़ा मंद बुद्धि है। एक दिन बुढ़ा उनके बेटे राम से, बेटा अब से मुझे आराम की जरूरत है, मैं रिटायर हो जाता हूँ, अब से टैक्सी का जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, ये मैं तुम्हें देने वाला संपत्ति है। टैक्सी को चलाना है डैडी, मैं चलाऊंगा डैडी, डैडी प्लीज डैडी वो टैक्सी मुझे दे दो डैडी, कहकर जिद करने लगा। तुम चुप रहो श्याम। बापू मैं एक बात बोलता हूँ, गुस्सा मत होना, इस कार को कोई संपत्ति कहता है क्या? ये एक सर दर्द की तरह है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा नसीब ऐसा है। ऐसे राम उस टैक्सी को चलाने लगा। एक बार एक बच्चा उसके पिता के साथ उस टैक्सी पे चढ़े। तब वो पिता, हमें शहर के बाहर स्विमिंग पूल के पास छोड़ो, रोज इसे स्विमिंग ले जाने के लिए झंझट बन गया है, हमारा घर शहर के उस तरफ है और स्विमिंग पूल इस तरफ है, जल्दी चलाओ भाई, उसका ऑनर बहुत कंजूस आदमी है, एक घंटा बोले तो एक घंटा का ही वक्त देता है, एक मिनट भी ज्यादा नहीं रहने देता है, तुम्हारे कार के अंदर इतना गर्मी है एसी काम नहीं करता है क्या? सॉरी सर, एसी थोड़ा प्रॉब्लम में है, कुछ गलत मत समझिए। ऐसे वे स्विमिंग पूल पहुंच गए थे। वे अंदर गए, उधर अंदर लोगों को स्विमिंग करते हुए देखकर राम गहरा सोच में चला गया था और सोचने लगा, इस शहर की लोगों को स्विमिंग पूल की जरूरी है, लेकिन ये तो शहर से बाहर है, इतना दूर आना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इस अवसर को मुझे कैसे भी इस्तेमाल करना होगा, मैं अपने कार को एक स्विमिंग पूल जैसा बदल देता हूँ, कार के ऊपर पूल बनाता हूँ, ऊपर पानी रहता तो कार के अंदर ठंडा ही रहता और एसी की भी जरूरी नहीं होगी, रिपेयर का पैसा बच जाएंगे, ऐसे सोचा। ऐसे उस कार को एक मैकेनिक की मदद से एक स्विमिंग पूल कार जैसा बना दिया। उस कार को लेकर शहर में जा रहा था तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे। फिर लोगों से, मेरे प्यारे शहरवासियों, अब आपको शहर के बाहर स्विमिंग पूल को जाने की जरूरी नहीं है, आपको जब चाहिए तब एक फोन घुमाइए, बस ये स्विमिंग पूल आपके घर के सामने होगा, घंटों के हिसाब से चार्ज नहीं होगा, जिसको जितना समय चाहिए उतना समय तैर सकते हैं, आइए आइए इस मौके को इस्तेमाल कीजिए, कहकर पुकारने लगा। फिर लोग उनको फोन करने लगे तो राम उनके घर उस स्विमिंग पूल कार को ले जाने लगा। ऐसे बच्चे और बड़े उसमें तैर रहे थे और वो पूरा गांव में घुमाता था। कुछ ही दिनों में राम ने अच्छा कमा लिया। एक बार श्याम राम के पास आकर, भैया ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आया, एक बार चलाने का मन कर रहा है, प्लीज एक बार गाड़ी की चाबी दो ना। अरे वो डेढ़ दिमाग वाले, तुम्हें तो साइकिल चलाना भी नहीं आता है और कार चलाओगे, चाहिए तो स्विमिंग पूल में जाके तैरो, लेकिन कार चलाने का विचार सपने में भी मत देखना, जाओ इधर से, कहकर डांटा। तब शाम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब लोग उसमें तैर रहे थे तो राम चाय पीने के लिए कार को छोड़ के गया था। तब श्याम चुपके से आकर उस कार में चढ़ गया। ये कार मेरा हाथ में आ गया, अब इसे कैसे चलाते हैं? ये क्या, पैरों के नीचे कुछ है, इन्हें पैर से दबाना है क्या? सोचकर गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सलेटर को जोर से दबाया, बस वो कार आगे तेजी से जाने लगा। तब श्याम, मुझे ड्राइविंग आ गया, अब मैं एक नंबर का ड्राइवर हो गया, कहकर और तेजी से चलाने लगा। ऊपर पुल में लोग डर के मारे, बचाओ बचाओ कोई कार को रोको, कहकर चिल्लाने लगे। ऐसे वो कार तेजी से जाकर गांव के बाहर जो स्विमिंग पूल था उसमें जाके गिर गया। तब सब लोग तैर के किनारे पहुंच गए। सब लोग शाम को पकड़कर खूब पीटे। वो कार पानी में गिरकर पूरा खराब हो गया था तो राम उस कार को पुराने चीज खरीदने वाले को बेचकर उन पैसों से एक रिक्शा को खरीदकर उसे चलाते हुए जीने लगा। एक दिन श्याम उस रिक्शा को देखकर, ओ भैया ये रिक्शा बहुत अच्छा है, उस दिन तुमने मुझे कार चलाना नहीं आता है कहा, लेकिन उस कार को मैंने इतनी तेजी से चलाया, अब मैं इस रिक्शा को चलाना चाहता हूँ, एक राउंड दो ना प्लीज। नहीं बोले तो मुझे मालूम है कि कैसे चुराना है, खबरदार। बस राम को चक्कर आके नीचे गिर गया। तब श्याम उस रिक्शा को लेकर चक्कर मारते हुए बहुत खुश होने लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर,
आजमनगर नाम के गांव में सीतापति नाम का आदमी हुआ करता था। उसे बहुत चीजों से डर था। पेपर में अलग अलग तरीकों की बीमारी के बारे में पढ़कर डरता रहता था। वैसे ही टीवी पर भी बीमारियों के बारे में देखकर घबरा जाता था। एक बार सीतापति पेपर पढ़कर, छी छी, सिर्फ मिलावटी मिलावट मिलावट, जहाँ भी देखो सिर्फ मिलावटी है। मुर्गियों को इंजेक्शन, गाय से दूध ज्यादा निकालने के लिए इंजेक्शन, बकरी को इंजेक्शन। अच्छा, वेजिटेरियन बनने की सोचूं तो सब्जियों पर भी हानिकारक पदार्थ, चावल में मिलावट, दाल में मिलावट, क्या खाकर जिए समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हर चीज से डरते रहोगे तो कैसे जियोगे रे? वो पेपर टीवी में एक होने पर 10 चीजें मिलाकर कहते हैं, वही सब सच है सोचकर यकीन कर बैठोगे तो कैसे चलेगा? जिसने उसे लिखा है ना, वो भी हर दिन वही खाता होगा ना, वो सब की फिक्र ना करते हुए आकर खाना खाओ। खाना कभी नहीं खाऊंगा, अब से अपने अनाज मैं खुद उगाऊंगा, मेरा दूध मैं ही लाऊंगा, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। इस तरह अपना अनाज खुद ही बोने लगा। एक भैंस को खरीद कर उससे दूध भी खुद निकालने लगा। अपने कपड़े खुद ही धोता था, अपने बर्तन भी खुद ही मांजता था। एक बार एक नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गया था। इंटरव्यू लेने वाला उससे, कंग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, कहते हुए जब हैंडशेक दिया तो सीतापति दोनों हाथों से नमस्ते करते हुए, नहीं जी, पता नहीं वो हाथ आपने कहाँ कहाँ लगाया होगा। शेक हैंड करने से बीमारी फैलती है, सुना है, आप कुछ मत सोचिए सर, इसलिए नमस्कार ही बेहतर है सर। यू इडियट, मैं दिन में 10 बार हैंड वॉश करता हूँ, मुझे ही सफाई के बारे में बता रहे हो? मुझे ही बोलोगे कि कहाँ हाथ रखा पता नहीं? तुम्हें जॉब नहीं कुछ नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर। एक बार टीवी में एक औरत, धरती पर ऑक्सीजन दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उसका कारण प्रदूषण है। पिछले 10 सालों से हो रहे प्रदूषण अब एकदम से 10 गुना तेजी से बढ़ा गया है। उसका कारण और कोई नहीं, हम ही है। मनुष्य ही प्रकृति का विनाश करके खुद का विनाश कर रहा है। अम्मा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, इसलिए लगता है 4 दिन से सही से सांस नहीं ले पा रहा था। तुरंत जाकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर उस मास्क को मुंह पर लगाया। वो ऐसे जब गांव में चल रहा था तो सब हैरानी से देखने लगे। अब ये क्या नया लगा रखा है? वैसे ऑक्सीजन कम हो गया तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मर जाएंगे ना, हर दिन एक सिलेंडर खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे रे? वो सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आपको ऐतराज है तो बताइए, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कहकर वहाँ से निकल गया। इसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसे रास्ते पर नहीं लाए तो बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर जाकर ऑक्सीजन गैस को लाफिंग गैस में बदल दिया। अगले दिन रोड पर जा रहा सीतापति अचानक बेवजह हंसने लगा। यूं हंसने लगा। इतने में एक दोस्त वहां आकर, अरे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, अस्पताल में भर्ती करवाया, अब भी वहां से आया हूं। हार्ट अटैक आया है? क्या हार्ट अटैक आया है? कहते हुए हंसने लगा। इससे उसका दोस्त बहुत गुस्सा होकर उसे 4 दे मारा। इतने में एक व्यक्ति स्कूटर पर आते हुए अचानक स्किड होकर नीचे गिर पड़ा। सीतापति उसके पास जाकर, नीचे गिर गए? ऐसे कैसे गिर गए भाई? नीचे गिर गए, कहते हुए बहुत हंसने लगा। क्यों रे, मैं नीचे गिरूं तो तुझे बहुत हंसी आ रही है, कहते हुए से पीटा। सिनेमा हॉल में सारे लोग सीरियसली पिक्चर देख रहे थे। क्लाइमेक्स में जब हीरोइन मर रही थी तो सारे लोग बहुत सीरियसली देख रहे थे, तो ये पागलों जैसे हंसने लगा। हीरोइन मर रही है, यूं हंस रहा था तो सारे लोग उसे पीटने लगे। फिर गांव में एक मंत्री एक मीटिंग रखा। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं, पीने का पानी, नालियां, मच्छर, करंट, ऐसे कई समस्याएं, उन पर हमें सरकार से एक साथ लड़कर जीतना होगा। इस तरह लोगों को बता रहा था तो सुनकर सीतापति,
समस्या, लड़के जीत गए, करण चाहिए। यून जब हंस रहा था तो बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आया और उसे खूब ज्यादा पीटे। घर आकर, बाप रे, ये सिलेंडर लगाने से बहुत मुश्किल हो रहा है, अब से मुझे किसी भी सिलेंडर की जरूरत नहीं है, सोचा। फिर पिता ने उसे सब बताया। बेटा, यू हर चीज से डरकर जीना सही नहीं है, जीवन में कई किस्म की मुश्किलें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। उनका डटकर समझदारी से सामना करना चाहिए, ना कि ऐसे डरकर पागलों वाले हरकतें। ये बातें सुनकर सीतापति में बहुत बदलाव आया। तब से बेवजह डरना बंद किया और बाकी लोगों की तरह हिम्मत से जीवन गुजारने लगा।